जहां पर देश के कई राज्यों में बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पूरे उत्तर भारत को बिजली की आपूर्ति करने वाला भाखड़ा डैम के जलस्तर में इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 50 फुट की कमी चल रही है। वहीं दूसरी ओर पौंग डैम का यही हाल बना हुआ है। ऐसे में यदि पानी की आवक कम रही तो दोनों ही डैमों में पानी का स्तर कम रह सकता है, जिससे आने वाले समय में जहां हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जल संकट गहरा सकता है, वहीं बिजली आपूर्ति की कमी भी बन सकती है। और अगर जल स्तर नहीं बढ़ा तो हिमाचल में मछली उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि इस बार पानी की कमी के चलते भाखड़ा डैम, सतलुज झील और पौंग डैम में मछली पकड़ने पर 15 दिन का प्रतिबंध और लगा दिया गया है। भाखड़ा और पौंग की सहायक सतलुज और ब्यास नदियों में कैचमेंट एरिया में मॉनसून की बारिश में 11% कमी दर्ज की गई है, जिस कारण दोनों ही प्रमुख डैमों में पानी की आवक कम होने के कारण जलस्तर में कमी बनी हुई है। भाखड़ा और पौंग डैम का फिलिंग सीजन जून से सितंबर तक चलता है, जिसमें मॉनसून की वर्षा अहम रहती है। बीबीएमबी ने हाल ही में जलस्तर को लेकर चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें पंजाब, राजस्थान पानी को लेकर चिंता जताई गई। बीबीएमबी ने भाखड़ा और पौंग से पानी लेने वाले भागीदार राज्यों को मॉनसून के पानी संचय और अधिकतम उपयोग करने की सलाह भी दी है। सर, बारिश कम होने की वजह से गोविंद सागर जलाशय का जल स्तर जो है वो अभी काफी कम है, और इससे मछली उत्पादन में जो है वो काफी कमी आ सकती है। और विभाग ने अभी जो है वो बंद सीजन जो है वो 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि मछली का प्रजनन जो है वो कुछ सालों से वैसे भी डिले हो रहा था, और जैसे जब तक जल स्तर ऊपर तक पूरे लेवल तक नहीं पहुंचे तो उसका मछली का जो प्रजनन होता है, मछलियां बेसिकली ज्यादातर जो है वो खड्डे और नाले जो उनको फीड करते हैं वहां पे मुहाने में आके जहां दोनों का मिलन होता है उस जगह पे मछलियां ज्यादातर ब्रीड करती हैं जब फ्लड आता है। तो इस बार थोड़ा जल स्तर जो है वो कम है, तो इस कारण जो है वो अभी तक प्रजनन उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। अच्छा सर, इसमें कुछ फर्क भी पड़ेगा प्रजातियों की, मछली प्रजातियों में? या डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत, जैसे प्रजनन कम होगा तो उस प्रजाति की मछलियां जो है वो फिर कम प्रोडक्शन में कम आएंगी, तो इसमें हमारे प्रोडक्शन जो है गोविंद सागर की उसमें घटने का स्कोप है। पिछली की बारी, इस बार कितना पानी कम हुआ है सर? इस बार आज तक जो पानी था वो लगभग बिलासपुर में पहुंच जाता था, तो अभी मैं पता कर रहा था तो जो मेरा ख्याल है आज की डेट में अभी जगातखाना तक ही है, तो उसको भरने में अभी काफी समय लगेगा। तो ये जो कि आज तक जो था यहाँ बिलासपुर में पानी हो जाता था, तो उससे क्या है प्रजनन जो है वो आसानी से हो जाता था मछली का, नेचुरल ब्रीडिंग जो है, लेकिन इस वजह से थोड़ा दिक्कत तो है।